हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में अपन जो डिस्कस करने वाले हैं एक बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए क्वेश्चन करें। क्वेश्चन नंबर 15 प्रैक्टिस मैनुअल का पेज नंबर 12.13, पेज नंबर 12.13, क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है, फॉरेक्स का ही है ये। फॉरेन एक्सचेंज एक्सपोजर एंड रिस्क मैनेजमेंट का क्वेश्चन नंबर 15 में क्वेश्चन रीड आउट कर रही हूँ। जिसके पास प्रैक्टिस मैनुअल नहीं है तो वो ICAI की साइट से प्रैक्टिस मैनुअल डाउनलोड करके देख सकते हैं। मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ। ऑन January 20, 2013 एन इम्पोर्टेंट कस्टमर रिक्वेस्टेड बैंक टू रेमिट। देखो यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट किया है, रेमिट करो मुझे SGD यानी सिंगापुर डॉलर 25 लाख के अंडर एन इरोवोकेबल लेटर ऑफ क्रेडिट। हाउएवर ड्यू टू द अनअवॉइडेबल फैक्टर्स द बैंक कुड इफेक्ट द रेमिटेंस ओनली ऑन February 4, 2013 एंड द इंटर बैंक मार्केट रेट्स वर एज फॉलोज। US$1 इज इक्वल्स टू 45.85। देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ने क्या बोला है कि रिक्वेस्ट किया है कि मुझे SGD दो, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर उन्होंने डिले कर दिया, फेब्रुअरी में दिया, जनवरी की चाहिए तो अपने को कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ पे सिर्फ रिक्वेस्ट की थी कि रेमिट कर लो, पर कुछ अनअवॉइडेबल रीजन से जनवरी की चाहिए क्या हो गया, तो फेब्रुअरी में रेमिट कर रहे हैं। सो दैट अपन यहाँ पे ये देख रहे हैं कि वो जो डिले हुआ था उस वजह से कितना लॉस उसको उठाना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक तो क्रॉस करेंसी वाला कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा, बिकॉज US$1 इज इक्वल टू रुपीज दे रखा है, 1 GBP मतलब पाउंड इज इक्वल टू US$ दे रखा है, 1 GBP इज इक्वल टू SGD दे रखा है, मतलब डायरेक्टली रुपीज और SGD का रेट नहीं गिवन है। ओके, द बैंक को विशेस टू रिटेन एन एक्सचेंज मार्जिन ऑफ 0.125%। मतलब एक्सचेंज मार्जिन की भी बात बोली कि बैंक चाहता है वो इतना मार्जिन रिटेन करके रखे। आपको पता है ना कि बिट के अंदर मार्जिन को लेस करते आस्क में ऐड करते हैं। हाउ मच डज द कस्टमर सेंस टू गेन और लॉस ड्यू टू द डिलेस। इसमें बोल रखा है कि रेट जो है मल्टीपल ऑफ 0.0001 लेना, तब तो ध्यान नहीं रहता पर ठीक है। अब यहाँ पे अपने को जो सबसे पहले देखना है वो क्या है, इम्पोर्टर है, ठीक है, इम्पोर्टर कस्टमर है, ये है इम्पोर्टर, ठीक है। ये जो इम्पोर्टर है, अब ये देखो कि इम्पोर्टर बोल रहा है कि मुझे क्या करो, SGD रेमिट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखो रेमिट SGD, अगर मैं इम्पोर्टर हूँ तो मुझे क्या करना होगा, सामान जो है, मतलब मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, मुझे सामान जो है वो खरीदना है, ठीक है। तो अगर मैं सामान खरीदूंगी तो मुझे सामने वाली पार्टी को उनकी जो करेंसी उसमें पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब मुझे SGD उनको देना पड़ेगा। अगर SGD देना है तो मेरे हाथ में तो है नहीं, तो मैं बैंक के पास जाऊं, तो मैं बैंक के पास रुपए लेके जाऊंगी, तो मैं बैंक के साथ क्या ट्रांजेक्शन करूंगी कि आप ये मेरे रुपए जो है वो ले लो और मुझे बदले में SGD दे दो। मतलब SGD मुझे क्या करने पड़ेंगे, परचेज करने पड़ेंगे, और रुपए मुझे क्या करने पड़ेंगे, सेल करने पड़ेंगे। जब मैं बैंक को रुपए दूंगी तो बैंक मुझे SGD दे देंगे, क्योंकि मैं क्या हूँ, इम्पोर्टर हूँ, सामान खरीदना है तो SGD देना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्टर होते तो उल्टा होता इससे। अब यहाँ पे आ गया SGD परचेस करना है, ये तो क्लियर हो गया। अब एक चीज और मैं बता देती हूँ कि सॉरी करेंसी ऊपर लिख ली और बाई करेंसी मतलब SGD अपन ने नीचे लिख लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो है वो रेट डायरेक्ट तो दे नहीं रखी है, 1 SGD इक्वल्स टू कितना रुपया हो रहा है। एक मैं छोटी सी बात बता देती हूँ, कभी कभी बहुत कंफ्यूजन हो जाता है कि जो करेंसी आई है उसमें से हमें ये ध्यान रखना है कि पाउंड जो है वो सबसे महंगा चलता है, ठीक है, उसके बाद में अपना चलता है US डॉलर, ठीक है, और रुपये की से भी घिरा हुआ जो होता है वो होता है येन, ठीक है। तो एक तरह से अपन ये थोड़ा सा मोटा आइडिया ले लेते हैं यहाँ पे कि सबसे हाई पाउंड, उसके बाद में डॉलर, फिर रुपीज और फिर येन, ठीक है। जिससे क्या, कभी भी करेंसी में अपने को बहुत ज्यादा कभी कंफ्यूजन ना हो, जनरली इन्हीं करेंसीज को अपन यूज करते हैं, वैसे तो पता चल जाता है बट फिर भी कभी अगर कोई क्वेश्चन में नहीं पता चले तो। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो यहाँ पे क्या हुआ, SGD जो है वो अपने को क्या करना है, SGD अपने को खरीदने हैं, तो SGD खरीदने ये रेट नहीं गिवन है। अब रेट किसका गिवन है, 1 US डॉलर इज इक्वल टू रुपीज 45.85। अब यहाँ पे देखो SGD के लिए GBP अवेलेबल है, ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं ना, अपने को SGD खरीदना है, ठीक है, SGD खरीदना है तो अपन GBP को बेच देते हैं तो SGD आ जाएंगे, पर GBP भी अपने हाथ में नहीं है तो एक बार GBP को खरीद लेते। GBP के लिए 1 GBP इज़ इक्वल टू USD दे रखा है, तो एक काम करते ना अपन, GBP को खरीदना है, खरीदने वाली करेंसी को अपने को कहाँ लिखना है, देखो हमेशा ये जो सॉल्ड करेंसी होती है वो ऊपर आती है और बाई करेंसी नीचे आती है, ठीक है। तो अपने को SGD खरीदना था, GBP को बेचा,
पर जीबीपी भी हाथ में नहीं है, तो एक बार जीबीपी खरीदो। तो जीबीपी खरीदने के लिए अपने को क्या भेजना पड़ेगा, यूएसडी भेजना पड़ेगा, पर यूएसडी भी हाथ में नहीं है, पर रुपया तो हाथ में है ना, तो एक काम करो यूएसडी खरीदो रुपया भेजो। तो इससे अभी देखो काट के जीबीपी जीबीपी एसजीडी आया क्या, रुपीज पर एसजेडी आ गया अपने पास, ठीक है। तो इस तरह से ये क्रॉस करेंसी चलेगी, दिख तो रहा है, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे तो अपना इक्वेशन क्या हो गया, यहाँ पे रुपीज पर एसजेडी के लिए जीबीपी पर एसजेडी मल्टीप्लाइड बाय यूएसडी पर जीबीपी मल्टीप्लाइड बाय रुपीज पर यूएसडी। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले तो अपने को जीबीपी जो 1 पाउंड है वो कितने एसजेडी के बराबर है। बिट देखो तो 3.1575 और आस्क देखो तो 3.1590, हमेशा बिट आस्क से कम होता है, बिट आस्क से कम ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पे एसजेडी जो है ध्यान देना हमेशा बाय वाली करेंसी पे, बाय वाली करेंसी पे ध्यान देंगे तो अपना आंसर सही होगा, ठीक है। तो एसजेडी जो है, अगर एसजेडी का रेट गिवन होता तो अपन इन्वर्स नहीं लेते, पर बाय वाली करेंसी का रेट गिवन नहीं है तो अब अपन इन्वर्स लेंगे, जो भी लेंगे बिट लेंगे या आस्क लेंगे, पर लेंगे क्या इन्वर्स, क्योंकि हमको बाय वाली करेंसी का रेट नहीं दे रखा है, ठीक है। अब रेट किसका दे रखा है, सेल वाली करेंसी का दे रखा है, मतलब जीबीपी का दे रखा है रेट, और जीबीपी को क्या करना है, सेल करना है। अब ये बताओ कि मार्केट जो है उसमें अपन कम पे सेल करते हैं या ज्यादा पे सेल करते हैं, तो ऐसा बता रखा है कि कस्टमर का तो बहुत नुकसान होगा, क्यों, कि उसको कम पे तो सेल करना है और ज्यादा पे खरीदना है। कम मतलब बिट, बिट पे क्या करना है, सेल करना है, और ज्यादा मतलब आस आस पे क्या करना है, खरीदना है, मुंह वाली कीमत पे खरीदना है और बेचना है, जो मार्केट प्राइस है बिट प्राइस उस पे बेचना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखना जो जी जहाँ अपने पास रेट किसका गिवन है, जीबीपी का, और जीबीपी को क्या करना है, बेचना है, बेचना है तो क्या लेना पड़ेगा, बिट लेना पड़ेगा। तो बिट कितना है, 3.1575, और वो भी इन्वर्स में लेना पड़ेगा क्योंकि अपने को बाय वाली करेंसी का रेट नहीं दे रखा है। बाय वाली करेंसी का रेट दे रखा होता तो अपन इन्वर्स नहीं लेते, इन्वर्स मतलब 1/2 करके नहीं लेते, ठीक है। तो जीबीपी का रेट गिवन है, जीबीपी को क्या करना था, अपने को बेचना था, बेचना था तो बिट पे बेचेंगे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं, ये जीबीपी और एसडी एसजीडी का काम हो गया। अब यूएसडी जीबीपी इसमें से अपने को क्या खरीदना है, ये देखो बाय वाली करेंसी और ये सोल्ड वाली, तो इसमें से क्या खरीदना है, जीबीपी। देखो जीबीपी का रेट है क्या, हाँ 1 जीबीपी दे रखा है, 1 जीबीपी इज इक्वल टू यूएसडी दे रखा है, इसका मतलब जीबीपी का रेट है, तो इन्वर्स तो नहीं करेंगे, इतना तो फिक्स हो गया, डायरेक्ट ले लेना यहाँ पे। अब लेना क्या है कि अपने को रेट किसका दे रखा है, जीबीपी का, मतलब खरीदने वाली करेंसी का, तो जीबीपी को खरीदना है और रेट जीबीपी का है, तो ज्यादा पे खरीदेंगे मतलब आस्क पे खरीदेंगे, तो आस्क कितना है यहाँ पे, 1.7850, 1.7850, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं रुपीज पर यूएसडी, इसमें भी वापस वही खरीदना किसको है, यूएसडी को। देखो यूएसडी का रेट ठीक है, हाँ यूएसडी का रेट है, तो इसका मतलब क्या है, अपन इन्वर्स नहीं लेंगे, सीधा लेंगे, ठीक है। फिर अपन क्या करेंगे, यूएसडी को रेट यूएसडी का, यूएसडी को खरीदना है ज्यादा पे या कम पे खरीदेंगे, हमेशा खरीदना ज्यादा पे होता है, मतलब 45.90 आस्क पे खरीदेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो है पूरा सॉल्व कर लेते अपन, फिर इसमें कैलकुलेट था, 1 डिवाइड बाय 3.1573 1.7850 45.90 कितना आ जाता है, 25.9498, 25.9498, ठीक है। तो ये आ जाता है 1 SGD इज इक्वल टू कितना रुपया हो रहा है, 25.9498। अच्छा इसमें मार्जिन भी तो है, तो मार्जिन तो भी ऐड करना पड़ेगा ना अपने को, ठीक है, क्योंकि ये आस्क रेट है, अपने को खरीदना था ना एसजेडी, आस्क रेट है, तो कितना परसेंट मार्जिन गिवन है, 0.125%, 0.125%, कितना हो जाता है, 25.9822, इनके रहा 9806, ऐसा क्यों, मेरा आ रहा 9822, 25.9482, हल्का फुल्का डिफरेंस तो मेरे हिसाब से चलता है, बाकी मैंने सब सही लिया है, एकदम परफेक्ट है। और वो डिफरेंस जो है पॉइंट का, यहाँ पे 0.75 रेट था क्या, 3.157, और यार गलती से 3 दिख गया होगा,
यहाँ पे 5 thighs वजह से हल्का सा डिफरेंस आ गया, वो तो कोई बात नहीं, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इंटू 1.7850 45.90 25.9482 प्लस किया 0.125% या जाता है 25.9806। अब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है, अब अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे हो जाता है एक SGD की ये वैल्यू आ गई। अभी देखो कितने अपने पास थे, 25 लाख SGD थे, तो 25 लाख की वैल्यू मल्टीप्लाई कर लेते हैं 25.9806 इंटू 25,000 यहाँ आ जाता है 6,495,1634 बड़े खासे रुपए आ गए अपने तो, ठीक है। अब अपने को क्या करना है इसी क्वेश्चन के अंदर, ये पूरा तो ऐसा कैसा रहने देते हैं, यहाँ तक तो था कि ये जनवरी का अमाउंट था, अगर जनवरी में पे करते तो इतना पे करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको अलग से लिख लेते हैं अपन, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, एक जनवरी के अमाउंट को अपन अलग से लिख लेते हैं, वो आ रहा है अपना कितना 25.9806, ठीक है। अब अपन फरवरी का अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं, फरवरी के अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए